हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास क्लियर कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट पे पार्ट किया है। एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है, उसमें आपको मैं सिखाऊंगा एक लीटर कंसंट्रेट कैसे बनाया जाता है क्लास क्लियर का, और दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि इसको बनाते समय जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको दिख ही रहा होगा कि किन किन इंग्रेडिएंट्स को हमको ज़रूरत है इसको बनाने के लिए। तो ये ऑलरेडी वीडियो में शो हो रहा है, तो काइंडली आप उसमें देख लें। और चलिए तो फिर अभी हम बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए पानी, पानी 200 ml काफ़ी है, और 200 ml पानी में हमें मिक्स करना पड़ेगा IPA, जिसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल मिक्स करने, अल्कोहल इसमें पानी में आप डायरेक्टली मिक्स कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको ये जो फार्मूला है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फार्मूला है। इसमें आप एसिड सेलरी डालना है आपको 200 ग्राम और 200 ml। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फार्मूला है, जिससे मतलब आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे, और ये मार्केट में आपको सेल करने में भी मतलब काफ़ी डिमांड इसकी आपको मिलेगी, क्योंकि अदर सब ग्लास क्लीनर्स एसिलियस के बेस पे बनता है। तो हमने इसको एसिड सेलरी के बेस में बनाया है, ताकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा चमक और मतलब क्लीनिंग अच्छी तरीके से दे सके। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि इसको अच्छी तरह बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा, और थोड़ा टाइम लेके मिक्स कीजिएगा दोस्तों। और मैं इस वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा कि अगर कंसंट्रेट में कोई आपको दिक्कत आती है, मतलब किस टाइप की परेशानियां होती है एक बिगिनर्स को बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, सभी वीडियो में तो दिखा देते हैं कि ऐसे बनता है वैसे बनता है, अच्छे तरीके से सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को कोई सॉल्व नहीं करता दोस्तों। तो अभी हम जो इसको ऐड कर रहे हैं, ये इसको बोलते हैं रिड्यूसर। तो काफ़ी क्या 90% यूट्यूबर्स को ये पता ही नहीं होगा कि रिड्यूसर है क्या सामान। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। किसी को भी कुछ भी आपको जानना हो या फिर कुछ भी पता करना हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, तो काइंडली आप उस मोबाइल नंबर को फॉलो कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप डाल दीजिएगा। नो प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आएगी, कोई मटेरियल का सप्लाई का दिक्कत आ रही है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो उसमें घबराइएगा नहीं दोस्तों, मैं सारे कॉल्स के आंसर देता हूँ। अगर पिकअप नहीं कर पाता हो तो वापस मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूँ दोस्तों। तो ये रिड्यूसर डालने के बाद इसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। मिक्सिंग जितना बढ़िया होगा दोस्तों, तो आपकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी आएगी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा टाइम लेके ही मिक्स कर रहा हूँ, तो आप भी टाइम लेके ही इसको मिक्स कीजिए। क्योंकि देखिए, जो नए नए दोस्त आते हैं जो बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो वही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो भी मैंने इसलिए इसमें बना दिया है दोस्तों। तो अब जो साइट्रिक एसिड है, ये सिट्रिक एसिड है, तो इसको भी आप धीरे धीरे मिक्स कीजिए। ये इसकी मेजरमेंट जो है आपको शो हो रही है, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालिए, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कीजिए दोस्तों। बड़े आराम से मिक्स करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो एक लीटर कंसंट्रेट आप बनाएंगे, इस एक लीटर कंसंट्रेट से कम 50 लीटर ग्लास क्लीनर अब बना सकते हैं दोस्तों। तो कंसंट्रेट अगर बढ़िया नहीं बनेगा तो दोस्तों, तो इसका जो आउटपुट का जो मेन प्रोडक्ट है, वो भी दोस्तों उतना ट्रांसपेरेंट और उतना क्लियर नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो वीडियो को कंटिन्यूसली फॉलो कीजिएगा, बीच में मत छोड़ के जाइएगा, अदरवाइज़ आपका कंसंट्रेट जो है वो सही नहीं बन पाएगा। तो वीडियो को फॉलो कीजिए और बढ़िया कंसंट्रेट बनाइए, और इसको मार्केट में सेल कीजिए, अच्छा प्रॉफिट भी कमाइए। अब दोस्तों, इसमें एज यूजुअल कॉलिन जैसा ब्लू कलर ही, हम लोगों ने भी ब्लू ही इसको यूज़ किया है, क्योंकि मार्केट में ये ब्लू कलर देखने की सबको आदत है। सारे कस्टमर्स को कॉलिन को ब्लू कलर ही देखने में उनको अच्छा लगता है, तो हमने भी इसमें ब्लू कलर ही लिया है दोस्तों। जैसा आप देख सकते हैं, कलर काफ़ी अभी गाढ़ा दिख रहा है, क्योंकि ये कंसंट्रेट है इसलिए इतना गाढ़ा है। क्योंकि आप जब इसको मतलब मिक्स करेंगे, देखिए जैसे अब ये कंसंट्रेट बन के रेडी हो गया है, जो स्प्रे बॉटल आप ले लीजिए,
अब इसमें सिर्फ आपको आधा लीटर बनाने के लिए 5 ml कंसनट्रेट का ही ज़रूरत है दोस्तों। ओनली 5 ml कंसनट्रेट में आप 495 ml पानी डाल दीजिए। देखिए जैसे मैं डाल रहा हूँ, ये पूरा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ दोस्तों, इतनी डिटेल में शायद ही कोई यूट्यूबर आपको दिखाता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाऊँ वो एकदम क्लियर कट और साफ हो, ना ही कोई स्किप किया हुआ वीडियो जैसे तैसे करके आपको दे दूँ। तो ये काफ़ी इजी सा फॉर्मूलेशन है मैंने आपको दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पानी तो डाल दिया है, लेकिन अब जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है ये है, देखिए ये क्लियर नहीं बना। तो इसीलिए मैंने पार्ट 2 का वीडियो बनाया है, काइंडली उसको फॉलो कीजिएगा, ये कंटिन्यूएशन है।